So this session is about, we are going to celebrate Ganesha's birthday or you can say Ganesh Chaturthi special. तो इसके कुछ ऐसे powerful remedies, ऐसे कुछ चीजें आपसे share करने वाली हूं जो आपकी बहुत मदद करेगा. अब 10 दिन करना क्या है, 10 दिन क्या करना है. So मुझे पता है हम बहुत excited रहते हैं. Few people also, you know, have the idol at home and they're celebrating the birthday at home also. And few people visit or celebrate with other family people or friends, or they go to some spiritual places. कुछ ना कुछ करते ही होंगे. ये 10 दिन जो है बहुत ही पावरफुल होता है, तो क्यों ना उसका फ्रीक्वेंसी हम अच्छे से यूज कर ले. इट्स नॉट अबाउट लाइक एनी काइंड ऑफ रिलीजन और समथिंग, बट लॉर्ड गणेशा comes into your life or comes to this planet or comes to your home to remove obstacles. Yani jitne bhi badhaye hai, blockages hai, obstacles hai, wo use dur karta hai. Aur main chahti hu ye saal aap sabhi ke wo ghar mein aaye aur aapke life mein se sari obstacles bahar nikale. Jis tarah se unke bade bade kaan hai na, to wo kehte hai apne listening skills badhaiye, yani सुनने की कोशिश कीजिए ताकि जब आप कहो कुछ चीज तो सामने वाला भी सुनने की ताकत रखता हो. सो ये एबिलिटी हमको हमारे अंदर भी लानी है. नाउ ही सेज दैट बिग स्टमक, उनका जो इतना बड़ा स्टमक है, वो ये भी कहता है कि एक्सेप्ट करने की ताकत रखो. जितना प्यार कर सकते हो ना, उतना एक्सेप्ट करने की भी ताकत रखो. उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात वो कहते हैं, माफ करना सीखो. माफ करने वाला सबसे बड़ा हो जाता है. और आपका दिल इतना बड़ा है जो माफ कर सकता है. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस द कमिंग डेज व्हेन द गणेश चतुर्थी स्टार्ट्स टिल द विसर्जन. इनफैक्ट द होल लाइफ. कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? टाइपिंग येस आई विल. Come on, yes, I will. क्योंकि उनका जो ट्रंक होता है ना, that is a symbol of balance in life, balance of emotions, balance of thoughts, balance of action. I want you to practice this. अपने आप को balanced form में रखने की कोशिश कीजिए. I'm not saying it's very easy, but it's not even so difficult. I want you to do that. Big face. तो उनका जितना बड़ा चेहरा है, इसका मतलब ये भी है कि उनका दिल भी उतना बड़ा है. कहने का मतलब, इन शॉर्ट, ईगो जो है ना, उसको हमें खत्म करना है. आपने ईगो रखना नहीं है. तो इस 10 दिन हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि हम ब्लेम ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, कंप्लेन ना करें, जज ना करें. तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. इसके लिए कोई भी यू नो लाइक डिफिकल्ट रिचुअल निभाने की जरूरत नहीं है. सो आर वी ऑल रेडी टू मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट? यस, यूजुअली पीपल से कि ये 10 दिन अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, अच्छे सोच अच्छे विचार रखना चाहिए, घर को क्लीन रखना चाहिए, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन ऑफ योर होम, ये हमेशा क्लीन होना चाहिए. एंड इतना भी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 2 घंटे के लिए नमक रखो और उसके बाद उस नमक को डिस्पोज कर दो. यानी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ आकर उसे पूरा अब्सॉर्ब कर लेती है एंड अपने साथ लेकर चली जाती है. सो डू दैट रिचुअल, इट इज गोइंग टू हेल्प. यस, यू कैन डेकोरेट, आप रंगोली कर सकते हो, दिए जला सकते हो, यू कैन डू दैट. बट उससे पहले कैन यू क्लीन योर हार्ट एंड माइंड? बिकॉज कहते हैं गणेश जी उन्हीं को ब्लेस करते हैं जिनका हार्ट और माइंड क्लीन है. क्लीन यानी जिनकी नीयत अच्छी है, जिनकी सोच साफ है, जो अच्छे कर्म करने में मानता है. तो क्या आप मानते हो? अगर हां, तो आप गणेश जी को अपने अंदर ही रख सकते हो, बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो. और बड़ी बात, आपका जो रूट चक्र है ना, क्या सभी लोग जानते हैं रूट चक्र कहाँ है? रूट चक्र है आपके बेस में. और आपको पता है वहां कौन से गॉड
या भगवान विराजमान होते हैं, लॉर्ड गणेशा। तो ये 10 दिन आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि रूट चक्र जब एक्टिवेट होता है वो देता है आपको पैसा, वो देता है आपको कॉन्फिडेंस, वो देता है आपको करेज, वो देता है आपको स्टैमिना, वो देता है आपको एक ऐसा शक्ति जो आपके सातों चक्रों को भी एक्टिवेट कर देगा, वो आपके रिश्तों को ठीक कर देगा, वो आपके ब्लॉक्ड मनी को आपकी तरफ लाने की पूरी कोशिश करेगा। कितने लोगों को ये चाहिए, कितने लोगों को चाहिए, तो प्लीज एक्टिवेट योर रूट चक्र। रूट चक्र पे ध्यान दीजिए, आपकी घर के साउथ वेस्ट को ऑर्गेनाइज रखे, बिकॉज साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर रूट चक्र। सो डू दैट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो वंस यू डू द स्थापना, यस, आप जब उनकी स्थापना करते हो घर पे, तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स बोलना है, यानी हर वो छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना है जो उस वक्त आपको याद आ रहा है। सो द मोमेंट गणेश जी एंटर्स और आपने उनकी स्थापना कर दी है, आपको उनके लेफ्ट कान, या यू डोंट नीड टू टच दी आइडल, बट आप उनके लेफ्ट कान की तरफ जाएंगे और आप उन्हें, आप जितने भी ग्रैटिट्यूड बोलना चाहते हो, जितने भी चीज के लिए आप आभारी हो, वो चीज आप कह सकते हो उनको। वहीं वो बहुत खुश हो जाएंगे कि ये देखो, आते से ही इन्होंने कुछ मांगा नहीं, आते से ही इन्होंने मुझे हर चीज के लिए थैंक यू बोला, शुक्रिया कहा। आई वॉन्ट दैट टू हैपन। यू ऑल विल डू दैट। टेक इट एज अ थम रूल, और टेक इट एज अ यू नो द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू द मोमेंट ही एंटर्स। हाँ, आप 10 दिन के लिए 108 बार हर दिन चांट कर सकते हो, रिसाइट कर सकते हो, ओम गण गणपतये नमः। ये आप कीजिए, इससे आपका मन भी शांत रहेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, और आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना लाइफ में, वो निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी लिए तो वो आए हैं। जितने भी मेरे रेकी हीलर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत पावरफुल सेशन है। डोंट वरी, जितने भी मेरे नॉन रेकी हीलर्स हैं, उन्हें भी मैं वैल्यूबल टिप्स दे रही हूँ, बट जो रेकी हीलर्स है ना, आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट कोने में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाएंगे, और वहां सारे सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, ताकि वहां से ऊर्जा एक्टिवेट होके पूरे आपके घर में फ्लो हो जाए। नेक्स्ट, विजुअलाइज दैट वहां से गणेशा की जो एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से फैल रही है और क्लियर कर रही है जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में और इस घर में। हाँ, आपको जितना आपसे बन सके उतना आपको चैरिटी करना है, सर्विस करना है, कंट्रीब्यूट करना है। अब वो चैरिटी जरूरी नहीं है पैसे से ही हो। हाँ, आप पैसे से कुछ चीजें खरीद सकते हो और कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑफर फूड, यू कैन ऑफर क्लोथ्स दोज हु आर इन नीड। प्लीज वो ध्यान दीजिए जो नीड में है उन्हें, बिकॉज डोनेटिंग ऑन गणेश चतुर्थी और दीज 10 डेज इज बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड कर्मा एंड ब्लेसिंग्स इन टू योर लाइफ, एंड आई एम श्योर यू वॉन्ट दैट, है ना? बिकॉज मैं खुद कर्माज में बहुत विश्वास रखती हूँ, एंड आई वुड ऑलवेज क्रेव फॉर मोर ब्लेसिंग्स। या ब्लेसिंग्स किसको नहीं चाहिए, आई एम श्योर आपको भी चाहिए। अब और कुछ चीजें आगे, क्लीनिंग द प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पेस वे यू हैव, इट शुड वाइब्रेट एट अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। सो कोई भी रिचुअल्स शुरू करने से पहले आप उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है, आप कॉपर का वेसल लीजिए, उसमें पानी, ओके, कोई भी अच्छा शुद्ध पानी लीजिए, तुलसी के 2-3 पत्ते उसमें डाल दीजिए, और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, ठीक है, या ये जगह शुद्ध हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से निकल चुकी है, और वो पानी को छिड़कना है पूरे घर में, स्पेशली इन दैट प्लेस जहां आप गणेश आइडल स्थापित करने वाले हो, उस एरिया को। तो जितने रेकी हीलर्स हैं, आप चारों तरफ रेकी सिंबल्स ड्रॉ करोगे, स्पेशली द पावर सिंबल, यू विल ड्रॉ इट टू क्लियर द नेगेटिव एनर्जीज इन एंड अराउंड इन दैट प्लेस। सो यू कैन ड्रॉ द सिंबल एंड विजुअलाइज इट इन द एयर ऑल्सो। या ये भी बहुत एक अच्छा पावरफुल टेक्निक है। आपको क्लॉकवाइज वॉक करना है, तो जब आप पानी भी छिड़क रहे हो या रेकी सिंबल्स ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको घर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर, बेस्ट इज नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, वहां से आपको शुरुआत करना है एंड क्लॉकवाइज जाना है और वही एंड करना है।
सो फोकसिंग स्पेशली ऑन द एरिया वेयर द आइडियल इज प्लेस्ड, वो ध्यान रखना है आपको. अब मैं ये हमेशा करती हूं कि मैं गणेश आइडल जो है उनको भी एनर्जाइज करती हूं. एनर्जाइज यानी रेकी से, बिकॉज आई एम अ हीलर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. नॉन रेकी हीलर्स डू नॉट वरी, यू कैन स्टिल सिट एंड जस्ट सेंड ब्लेसिंग्स टू यू नो हिम. यू आर सेइंग ब्लेसिंग्स उनको क्या देंगे? नो नो, यू कैन डेफिनेटली, यू कैन से दैट that you are powerful and you're having the power to, you know, eliminate everything which is going wrong around me and around this place or home or country or whatever, you can say that. So Reiki healers, just place your hands towards the idol and just channelize Reiki energy. Thodi si Reiki energy pass kijiye, visualize kijiye ki energy jo hai na wo flow ho rahi hai aapke haathon se आइडल के अंदर, आइडल के तरफ, और वो भर रही है प्यार से, लाइट से, डिवाइन ब्लेसिंग से, ताकि वो जब एक्टिवेट हो जाए, एनर्जाइज हो जाए रेकी सिंबल से, रेकी एनर्जी से, तो वो एमिट करेंगे और भी ज्यादा प्यार, यू नो, डिवाइन ब्लेसिंग्स. एंड आई एम श्योर यू ऑल वांट दैट. अब जब भी आप प्रसाद चढ़ाए, जब भी आप फूल चढ़ाए, फ्रूट्स चढ़ाए, मोदक दे, बिकॉज ही लव्स मोदक, बनानाज ही लव्स इट, तो जब भी आप उन्हें अर्पण करें या ऑफर करें, आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट चार्ज इट विथ पॉजिटिव एफर्मेशंस. रेकी हीलर्स विल चार्ज विथ रेकी सिंबल्स, नॉन रेकी हीलर्स विल गिव इंटेंशंस. सिंपल, अगर आपने थाली सजाई हुई है, कीप योर हैंड्स ओवर इट एंड गिव पॉजिटिव इंटेंशंस. पॉजिटिव इंटेंशंस मीन्स पॉजिटिव एफर्मेशंस, दैट मीन्स अच्छा ही बोलना है कि ये प्रसाद पॉजिटिव हो चुका है, ये गणेशा के आशीर्वाद से बहुत एनर्जाइज हो चुका है, जो भी इसे खाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, या उनकी जिंदगी में से जितने भी दुख है वो खत्म हो जाएंगे, जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे. वॉट एवर एट दैट मोमेंट कम्स टू योर माइंड और हार्ट, आप उसे कह दीजिए. सो रेकी हीलर्स, यू नो हाउ टू डू इट बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन सो वेल बाय अस. एंड नॉन रेकी हीलर्स, डू नॉट वरी, यू कैन सेंड इंटेंशंस. इससे क्या होगा ना, यू विल एलिवेट द वाइब्रेशन ऑफ द फूड और द ऑफरिंग्स, मेकिंग देम मोर स्पिरिचुअली पोटेंट. और मैं ये चाहती हूं आप जरूर करके देखिए और आप ये डिफरेंस देखोगे. आप जब अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक लगाते हो ना, तो उसे भी आप इंटेंशन दे सकते हो और वहां प्लेस कर सकते हो, सो इग्नाइट कर सकते हो. स्पेशली रेकी हीलर्स, यू नो व्हाट टू डू विद द इंसेंस स्टिक, डू इट. And I am sure this Ganesh festival, you are going to get amazing gifts, surprises and results. Meditation kaise kare? You are supposed to sit in front of the idol and meditate every day. Even 5 minutes is okay. Or 10 minutes is super fine. So, aaj 5 minute to aapke zindagi mein se nikal sakte ho. 10 din ka hi ritual hai. Aapko baithna hai. जो रेकी हीलर्स है वो बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे अपने रेकी सिंबल्स के साथ विथ गणेशा's ब्लेसिंग सिटिंग फ्रंट ऑफ हिम. विजुलाइज करना है कि एक ब्राइट लाइट गणेशा जी से, लॉर्ड गणेशा से आ रही है और आपको एंटायरली फिल कर रही है विथ पीस, रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ. तो ये नॉन हीलर्स भी तो कर सकते हैं, राइट? एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन. रेकी हीलर्स, यू डू नो how to meditate. You can just use the bridge symbol and get connected with the idol. Aur powerful cheeze main batana chahungi. Hum kya karenge na, first day se hi hum apne wishes aur intentions ko ek piece of paper pe likhenge. So you can write it with red pen, blue pen, green pen. Ye teeno mein se koi bhi ink ka pen lijiye और आप आपके इंटेंशंस है, विशेस है, गोल्स है, प्रेयर्स है, ग्रैटिट्यूड है, जो भी है आप उस पेपर पे लिखोगे. एंड यू विल फोल्ड इट इनटू टू फोल्ड्स एंड यू विल प्लेस इट नियर द आइडल. तो आप आइडल के वहां कहीं भी रख दीजिए, उसके पीछे नीचे कहीं भी आप रख दीजिए और वो 10 दिन तक वहीं उनके पास रहने दीजिए, सो दैट इट इज गेटिंग चार्ज्ड अप. यस, माय रेकी हीलर्स, यू नो यू विल टेक द चिट. You will energize the paper by holding your hands above it and sending positive energies to manifest your desires. आप उसे चार्ज करके आइडल के वहां प्लेस कर देंगे. ये आपको पहली चीज करनी है द फर्स्ट डे.
Second thing, you are daily going to write 21 times sitting front of the idol. आप आपके affirmations लिखोगे. तो कोई भी you know top priority वाले कोई भी दो या तीन affirmations लीजिए और you can even focus on one. आप उसे लिखेंगे 21 times. Now आप बोलोगे oh my god 21 times. कुछ तो मेहनत कीजिए, कुछ तो मेहनत कीजिए अपने manifestation के लिए. So please do it 21 times and you will see the results happening soon in your life. और ये last time जब हमने ये share किया था, most of my students almost share it, you know, within 10 days, within 21 days, they said, हमें results मिल चुका है ma'am. So this time, अगर आपने सोचा है फिर से करना है, तो please कीजिए. और जितने भी नए लोग मुझसे जुड़े हैं आज, please वो भी follow कीजिए ये चीज़, practice it. So let me introduce myself. Those who have come here for the first time, this is Pooja Shah from Pune, Maharashtra. I'm a Reiki Grandmaster and a Vastu expert and a consultant since 15 years. And my mission is to serve people all around the world with happiness and love. Aur ek mission hai, har ghar mein ek healer. Jiske chalte ye zindagi jo hai, ye dunya jo hai, wo behtareen hote jayegi sabhi ke life mein. बहुत यू नो खुशियां ही आते जाएंगी, बैलेंस्ड लाइफ जीते जाएंगे. सो दिस इज ऑलवेज माय विश. नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ विसर्जन. जब विसर्जन होगा तब आप रोज दुर्वा चढ़ाते हो, राइट? जो लास्ट दुर्वा होगा ना, वो आपको विसर्जन से पहले जब आप सब कुछ क्लीन करोगे, तब आप वो जो दुर्वा है दैट यू विल टेक इट एंड कीप इट इन योर तिजोरी और लॉकर और वेयरएवर यू कीप योर मनी. तो आप लोगे, इट इज लाइक अ ब्लेसिंग, इट इज लाइक अ ब्लेसिंग विच विल बी ऑलवेज देयर इन योर तिजोरी. तो अगर लास्ट ईयर आपने रखा होगा, क्योंकि मैंने ये रिचुअल लास्ट ईयर भी बताया था, आपने रखा है, तो इस वक्त आप वो लेकर पानी में बहा सकते हो या मट्टी में, कहीं भी, यू नो, यू कैन जस्ट डिग इट एंड कीप इट देयर. ये नया आ जाएगा इस साल आपके लिए, ठीक है, एक नए ब्लेसिंग के साथ. रॉ राइस, तो हम जो 10 दिन या 5 दिन, आप जितने भी दिन मनाते हो घर में, आप राइस जो चढ़ाते हो, तो जितने भी राइस है वहां, वो दानों को लेना है, राइस के दानों को लेना है. दिस इज लाइक आफ्टर द विसर्जन, ओके? दानों को लेना है राइस के, रॉ राइस, एंड यू आर सपोज टू मिक्स इट इन द रॉ राइस विच यू हैव इट एट होम. आपके घर में जो रॉ राइस का डब्बा है, वॉट एवर यू हैव, सो यू जस्ट हैव टू मिक्स इट, ताकि पूरे साल या जितने भी दिन आप यूज कर रहे हो राइस, उसकी ब्लेसिंग्स आपको कंटिन्यूसली आपके और आपके परिवार को या आपके गेस्ट को भी मिलते रहेगी. Remember, 10 days, you're not going to blame, criticize and complain and no ego. तभी जाके ये सब चीजें work होने वाला है. और मेरा मानना है, this year, at least for 1 hour, मौन व्रत रखना. हर दिन, 10 दिन, yeah? So, 10 दिन, हर रोज, आप कम से कम 1 घंटे का मौन व्रत रखना. And this is, you know, like a cleansing of your heart, mind and soul. A powerful therapy and technique I'm today sharing with you. Do it and let me know what all results you are going to get and you are getting and you have achieved in your life. I would love to hear them and read them. Agar aapka kuch business mein loss hua hai, koi debts hai, karza hai, aur aapko use clear karna hai, to aur ek powerful technique mein batana chahungi. Is Ganesh Chaturthi ke din aap kya karoge? 12 दुर्वा लोगे. सो आई होप यू नो हाउ टू टेक द दुर्वा, बिकॉज एक दुर्वा में 3 ऊपर के ऐसे त्रिशूल जैसा होता है एंड 1 डंडी. सो वो 3 का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज 1 दुर्वा. ऐसे आप 12 दुर्वा लोगे और आप उसे हल्दी यानी टर्मरिक का पेस्ट लगाओगे. हर दुर्वा के ऊपर टर्मरिक का पेस्ट या हल्दी पेस्ट, इट्स द सेम थिंग, हल्दी का पेस्ट लगाओगे एंड यू विल ऑफर इट टू लॉर्ड गणेशा each day. मतलब जितने दिन तक आपके यहाँ गणेशा है, 5 days 10 days, आप उतने दिन 12 दुर्वा लेकर आप हल्दी लगाकर रखोगे और कहोगे मैं पूरी तरह से कर्जों से मुक्त हो चुका हूं और मेरा बिजनेस पूरी तरह से प्रॉफिट में चल रहा है. एंड दिस इज गोइंग टू वर्क, दिस इज गोइंग टू वर्क सो वेल. यू आर गोइंग टू फील सो ब्लेस्ड. You will be surprised कि धीरे धीरे आपको अपने आप ऐसे opportunities आ गए हैं
कि आप जितना भी डेट था वो क्लियर होते जा रहा है, बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, प्लस रिकवर हो चुका है जितना भी लॉस हुआ है. सो व्हाई नॉट डू इट, व्हाई नॉट डू इट, क्योंकि उसमें नुकसान तो है ही नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू फॉलो फ्यू और ऑल द रूल्स? कॉमेंट नाउ इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कॉमेंट नाउ, बिकॉज वेन यू से येस, वेन यू से येस यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, और यू प्रोमिस योर सेल्फ येस यू आर गोइंग टू फॉलो. आई होप यू लव दिस सेशन, आई होप यू लव दिस सिंपल वैल्यूबल यू नो रेमेडीज एंड थियोरीज. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. आई वॉन्ट यू टू शेयर विद दोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ योर्स जिनको ये मदद करेगा, बिकॉज रिमेंबर इट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग वेन यू आर शेयरिंग. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड शेयरिंग इज केयरिंग, एंड आई वॉन्ट यू टू बी केयर्ड, एंड इफ यू वॉन्ट टू फील केयर्ड यू नीड टू केयर ऑल्सो. ठीक है, तो जरूर हम करेंगे, एंड ब्लेसिंग्स टू यू. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव एंड रिस्पेक्ट थ्रू आउट ऑल द वीडियोज विच यू आर वॉचिंग एंड कॉमेंटिंग. इट इज आई रियली फील सो ब्लेस्ड. सो थैंक यू सो मच. दिस इज पूजा शाह, वेटिंग फॉर मोर सच वैल्यूबल सेशंस टू शेयर विथ यू. थैंक यू सो मच.